Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. कंजर्वेटिव रहनुमा एरीन ओटूल तीसरी बैलेट पर जीतने के बाद पार्टी के सरबरा बन गए। उनका कहना था कि ट्रूडो कनाडा की उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम हो गए। कैनेडियन सूबे मैनिटोबा में कोरोना वायरस फैलने लगा। इतवार के रोज 72 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कैनेडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,24,896 हो गई। मैन्युफैक्चरिंग में ताखीर, मेड इन कनाडा वैक्सीन की तैयारी सुस्त हो गई। लैब के मंसूबे के मुताबिक मार्च 2021 में वैक्सीन फ्रंट लाइनर्स को फरहाम की जानी थी। ट्रंप को बड़ी बहन ने जालिम और झूठा करार दे दिया। ट्रंप को असूलों के बगैर ऐसा शख्स करार दिया जिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। हुकाम के मुताबिक आग सैन फ्रांसिस्को के साहिली इलाके तक फैलने का खदशा है। पेरू में नाइट क्लब पर छापे में भगदड़ से 13 अफराद कुचलकर हलाक। पुलिस ने नाइट क्लब से 23 अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया है। रवां बरस ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में तबाह होने वाली यूक्रेनी मुसाफिर तैयारे के ब्लैक बॉक्स की मालूमात ईरान ने हासिल कर ली है। अलमनाक वाकये में 174 अफराद हलाक हो गए थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। कोरोना वायरस से जाबहक अफराद की तादाद 8,12,000 से तजावुज कर गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला ट्रेन क्वालिटी 75% फूड ग्रेड अल्कोहल नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,054 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,23,873 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,054 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 61,402 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 5,730 तक जा पहुंची है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमुई तादाद 41,048 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,793 है। अल्बर्टा में 12,604 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए, जबकि 228 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 4,825 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 200 है। वफाकी वज़रा का कहना था कि हम कैनेडियन वर्कर्स की बेहतर से बेहतर मावनत के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई वर्कर हुकूमती मदद से महरूम ना रहे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडा की वफाकी हुकूमत ने कैनेडा एमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट में मजीद एक माह की तौसी का ऐलान कर दिया, जबकि इस पर $37 बिलियन की लागत आने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम की तजदीद का भी ऐलान किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वबा के दौरान माली मावनत से इस्तेफादा हासिल कर सकें। वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड और वफाकी वजीर बराए रोजगार की जानिब से इस हवाले से ताज़ा इकदामात के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा का कहना था कि हम कैनेडियन वर्कर्स की बेहतर से बेहतर मावनत के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं ताकि कोई वर्कर इससे महरूम ना रहे। कनाडा एमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट प्रोग्राम अब 27 सितंबर तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के जरिए मुतासर लोगों को माहाना $2,000 अदायगी की जाएगी और इस प्रोग्राम पर अब तक $74 बिलियन खर्च हो चुके हैं और इससे 8.6 मिलियन सार्फीन इस्तेफादा हासिल करेंगे। उन असलाहती इकदाम का मकसद कैनेडियन शहरियों को दोबारा माशी बहाली के दौरान मदद देना और इस पर $37 बिलियन तक की लागत आने का इम्कान है। नए इकदाम के तहत एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए दरकार काम के दौरानिए में रद्दोबदल किया गया है ताकि लोगों को एक साल के दौरानिए के लिए इस प्रोग्राम का अहल होने में मदद मिल सके। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगी आग ताहाल न बुझाई जा सकी, जबकि तेज हवाओं की पेशगोई के सबब करीबी रिहायशियों को इलाका खाली करने का कहा गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगी आग ताहाल न बुझाई जा सकी, जबकि तेज हवाओं की पेशगोई के सबब पेंटिंगटन के रहायशियों को इलाका खाली करने का कहा गया। जंगलात में लगी आग 2000 हेक्टेयर के रकबे तक फैल चुकी है। हुक्काम का कहना है कि आग के आसपास रहायश पजीर अफराद इनखला के लिए तैयार हैं। आग ने हेरिटेज हिल्स के करीब 319 के करीब मकानात को खाली कर लिया गया, जबकि एक मकान मुतासर हुआ है। जुनूब मशरकी पेंटिंगटन के रहायशियों ने गुज़िश्ता 2 दिन इनखला के अलर्ट पर गुजारे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई, जिस पर फायर डिपार्टमेंट हुकाम की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। टोरंटो में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली कम्युनिटीज के स्कूलों में जूनियर और सीनियर किंडरगार्टन क्लासेस में 15 तलबा की इजाज़त होगी, जबकि ग्रेड 1 से 8 तक 20 तलबा की इजाज़त होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने कोरोना वायरस से शहर के सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में क्लास साइज कम करने का मंसूबा मंजूर कर लिया। ट्रस्टीज ने एक तहरीक मंजूर की है, जिसके तहत तमाम असातिज़ा, तलबा और अमला मास्क और फेस कवर्स पहनने का पाबंद होगा। TDSB ने किंडरगार्टन और एलिमेंट्री क्लासेस के लिए इस मंसूबे की मंजूरी दी है। टोरंटो पब्लिक हेल्थ ने चंद इलाकों की निशानदही की है जहाँ कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा है। इन कम्युनिटीज के स्कूलों में जूनियर और सीनियर किंडरगार्टन क्लासेस में 15 तलबा की इजाजत होगी, जबकि ग्रेड 1 से 8 तक 20 तलबा की इजाजत होगी। इन इलाकों के अलावा दिगर स्कूलों में तमाम किंडरगार्टन क्लासेस में 26 तलबा की इजाजत होगी, जबकि ग्रेड 1 से 3 में 20, ग्रेड 4 से 8 तक 27 तलबा की इजाजत होगी। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहेगा। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से शहर में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि सूरज भी अपने रंग दिखाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहेगा। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से शहर में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि सूरज भी अपने रंग दिखाएगा। हफ्ते के रोज शहर दिन के औकात में शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि धूप भी निकलेगी और बादल भी छाए रहेंगे। रात के औकात में दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इतवार के रोज शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि बारिश का भी इम्कान है। रात के औकात में दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोरोना वायरस की मोजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खून खुआर पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके ना सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की मोजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खून खुआर पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके ना सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,28,63,816 तक जा पहुंची है, जबकि इस मोजी वायरस से हलाकतें 7,97,133 हो गईं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहाँ ना सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,77,426 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 57,46,534 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां इस मोजी वायरस ने 1,12,423 जिंदगियां निगल ली हैं, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 35,05,097 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंचा हुआ है, जहां कोरोना से 54,987 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 29,06,584 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 16,099 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 9,42,106 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 20,264 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 3,52,558 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 3,548 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,03,973 तक जा पहुंची है। अमरीका ने अक्वामे मुत्तहदा से ईरान पर पाबंदियां बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बात करके सलामती कौंसल की करारदाद की खिलाफ वर्जी की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के खिलाफ पाबंदियां बहाल करने के लिए अमरीका ने अक्वामे मुत्तहदा को खत लिख दिया। ईरान की जानिब से दो बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बात के बाद अमरीका ने अक्वामे मुत्तहदा से ईरान पर पाबंदियां बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बात करके सलामती कौंसल की करारदाद की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा ईरान के खिलाफ तमाम पाबंदियां फौरी तौर पर बहाल की जाएं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने अमरीका की ईरान के खिलाफ पाबंदियां बहाल करने की मुखालफत करते हुए कहा कि अमरीकी इकदाम की हिमायत नहीं कर सकते। यूरोपीय मालिक इस बयान के बाद अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने यूरोपीय मालिक पर ईरान का साथ देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ईरान पर पाबंदियां बहाल करने के लिए जो हो सका करेंगे। गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप के साबिक मुशीर को मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर को फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश कर दिया गया। उन्होंने जुर्म तस्लीम करने से इनकार किया है। ट्रंप के साबिक चीफ स्ट्रेटजिस्ट पर इल्जाम है कि उन्होंने अमरीका में मेक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंड जमा करने की मुहिम में $2.5 करोड़ का फ्रॉड किया। जराये के मुताबिक गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही उन्हें हेड हिंटन फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उन्होंने जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अदालत ने $50 लाख के एवज उनकी जमानत मंजूर कर ली है। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो अमरीकी ख्वाब, पागलपन और दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की तबाही के दरमियान दीवार बन चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुखालिफ डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को अमरीकियों के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा, डेमोक्रेट्स ने निफ सदी अमरीका को बेचने, मुलाजमतें खत्म करने और अमरीकियों की मुलाजमतें दूसरे ममालिक को देने में सर्फ की। उन्होंने कहा कि अगर बाइडन की सदारत में अपनी जिंदगी का नजारा चाहते हैं तो शिकागो के खून से दागे हुए फुटपाथ और मेनापोल्स में धुआंधार खंडरात के बारे में सोचिए और अपने शहर में आने वाली तबाहकारी का तसव्वुर करें। सदर ट्रंप ने कहा कि वो अमरीकी ख्वाब, पागलपन और दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की तबाही के दरमियान दीवार बन चुके हैं। दूसरी जानिब कन्वेंशन में जो बाइडन ने डेमोक्रेट्स की तरफ से की गई सदारती उम्मीदवार की नुमाइंदगी कबूल कर ली। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीका को तवील अरसे से अंधेरों में धकेल रखा है। ट्रंप ने गम, गुस्सा, खौफ और तफरुकबाजी फैला रखी है। उन्होंने इंतखाबात को रोशनी और तारीकी की लड़ाई के तौर पर पेश किया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।